गुजराती रबारी ब्लाउज़ है जो प्रिंस कटिंग कटेगा, और इसकी हम पहले बाजू कटिंग कर रहे हैं, तो मैंने बाजू के लिए अस्तर को 4 बार फोल्ड कर दिया है, और फिर मैंने 11 इंच इसकी लेंथ 11 इंच इसकी लेंथ लंबाई ली, और 3.5 नीचे की तरफ मैंने इसको झुका के फिर इसकी इस तरह से गोलाई देकर मार्जिन लिया, कटिंग किया है। और यहाँ पे जो नीचे की मार्जिन थी वो मेरी 5 इंच की थी, और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया उसमें भी। और ये है हमारा जो बाकी बचा हुआ अस्तर का कपड़ा, तो इसे मैंने 2 बार फोल्ड कर दिया, और इसकी लंबाई मैंने ली है 15 इंच। जो बैक साइड का भाग है उसका लंबाई 15 इंच है, और शोल्डर मैंने 5.5 लिया क्योंकि 11 इंच है इसलिए, और 6.5 लिया जो साथी का नाप होता है वहाँ पे, और साथी का जो भी नाप है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा करना है। तो मेरा यहाँ पे 36 की साथी है, तो मैंने यहाँ पे 8.5 प्लस 9 इंच प्लस मैंने 1.5 इंच किया, तो 10.5 हो गया है। और कमर का भी नाप आपको अपने हिसाब से अपना जो भी नाप है उसका 1/4 भाग लेकर फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना होता है। तो यहाँ पे ये हो गया आगे का फ्रंट कटिंग, और बैक साइड, और ये अभी मैं कर रही हूँ फ्रंट का कटिंग जो आगे का भाग होता है उसे। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें सेम नाप रहते हैं 2-3 जगह के, जैसे ये शोल्डर का सेम नाप है, बगल का सेम नाप रहेगा, और जो साइड का वहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना होगा, और आगे का है वो 1/2 इंच बढ़ाना है क्योंकि हमें यहाँ पे बटन काज पट्टी आगे लगेगी, इसलिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे सिलाई के लिए। और नीचे की साइड भी पट्टी इसमें से फोल्ड होती है, इसलिए 1 इंच नीचे भी हमें बढ़ाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 3 साइड कपड़ा बढ़ाया, 2 साइड 1-1 इंच, और जो बटन काज पट्टी है वहाँ पे 1/2 इंच, और जो हमारा गला है तो 2.5 इंच पीछे का गला है, और आगे का 3 इंच है 1/2 इंच बढ़ने के हिसाब से, और 6.5 गला है नीचे की। तो इस तरह से मैंने गले को गोलाई दे दी है, और फिर हम इसे कटिंग कर देंगे। तो ये गला भी हमारा कट हो गया, और यहाँ पे देख सकते हो मैंने थोड़ा सा 1/4 कपड़ा कट किया था क्योंकि टेर जो आपका शोल्डर से गिरता है वो नहीं गिरेगा ब्लाउज। तो यहाँ पे 1-1 इंच दोनों साइड मैंने मार्जिन ले लिए, और फिर इस तरह से मैंने यहाँ पे गोलाई दे दिए, और नीचे का जो मैंने मापा था वो 4.5 था, और फिर इसे कटिंग करना है, और जो 1 इंच का है वो कटिंग करके साइड पे बार कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं इसे मैं बार कर रही हूँ। तो ये हो चुकी है हमारी प्रिंस कट ब्लाउज़ का आगे का भाग, और यहाँ पर मैं टक्स भरूँगी, इसलिए आप चाहो तो भर भी सकते हो, नहीं भी भरना है तो नहीं भी भर सकते हो, आपके हिसाब से करना है वो। और यहाँ पे मैं गला ले रही हूँ 12 इंच का, 3 इंच मुझे नीचे चाहिए पट्टा तो मैं उतना ही ले रही हूँ, और फिर इस तरह से गले को मटके गले की तरह कट कर रही हूँ। तो बहुत ही इजी है ब्लाउज़ की कटिंग करना, और यहाँ पे भी 1/4 जितना मैं कट कर लगा रही हूँ जिससे हमारा जो कंधा है वहाँ से ब्लाउज़ नहीं गिरे। और यहाँ पर इसी में से मैं काज बटन पट्टी निकाल रही हूँ, एक छोटी होगी एक मोटी होगी, दोनों पट्टियाँ इसमें से निकल जाती है हमारी। तो ये पट्टियाँ निकल चुकी है काज बटन की, और अभी हम जो ब्लाउज़ है उसको मैं इस तरह से सीधा रख दूँगी डबल फोल्ड करके। जो डिजाइन है वो बाजू में आनी चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने बाजू में डिजाइन ली है। तो ज़्यादा हो रहा था तो मैं इसको रख रही हूँ साइड में, जितना चाहिए उतना ही कपड़ा मैं ले रही हूँ। तो इस तरह से हमारा जो अस्तर से ब्लाउज़ है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं रखती हूँ जिससे सिलाई में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा थोड़ा 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा कट कर रही हूँ। और ये हमारे 2 पार्ट्स हो गए कटिंग करके, और ये वाला जो आगे का फ्रंट भाग है प्रिंस कट का वो कट कर रही हूँ मैं इस तरह से। और यहाँ पे जॉइंट था तो इसको भी मैं कट करके निकाल रही हूँ। तो ये हो चुका है हमारा एक भाग और कट करके, और दूसरा भी इस तरह से और कट करना है। उसमें भी आप देख सकते हो मैंने सब कपड़े में 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। और अभी इसमें से मेरे जो डोरी निकालनी है तो मैं डोरी निकाल दूँगी डबल फोल्ड करके। पहले सीधा कर देती हूँ फिर डोरी निकालूंगी। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने डोरी निकाल दी है, और
पूरी ब्लाउज की कटिंग। यहाँ पे ये है हमारा गुजराती रबारी ब्लाउज, तो इससे प्रिंस कट सिलना है। और यहाँ पे पहले मैं बाजू को अटैच कर रही हूँ, सीधा बाजू को रख रही हूँ और उसके ऊपर अस्तर को रख के स्टिचिंग कर रही हूँ। एक साइड से जहाँ पे मुझे पट्टी फोल्ड करनी है वहाँ पे मैं सिलाई कर रही हूँ इस तरह से सीधा, और फिर अस्तर पे डब सिलाई ले रही हूँ। और दोनों बाजू के अस्तर पे डब सिलाई लेकर इसे अंदर की साइड दबा दूँगी अस्तर को। और देख सकते हो मैंने दोनों साइड में दबा दिया है अस्तर को अंदर से की साइड, और यहाँ पे इसकी स्टिचिंग हो चुकी है। और बाकी का जो ऊपर का पोर्शन है उसे मैं इस तरह से अटैच कर अस्तर के साथ अटैच कर दूँगी। और एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मुझे बाद में निकाल के ले लेना है, तो वो मैं बाद में निकाल के ले लूँगी बाहर। और इस तरह से इसकी बाजू की अटैच हो चुकी है। और अभी बैक साइड का भी भाग इसी तरह से मुझे अटैच करना है, और गले में भी मैं इसी तरह से अटैच कर रही हूँ। पहले नीचे सीधी सिलाई लग गई है और अभी मैं गले में इस तरह से सीधे सिलाई लगा रही हूँ एक चौथाई जितना। और ये भी हो चुका है। और अभी जो हमारा फ्रंट का पार्ट है एक साइड का, उससे मैं इस तरह से अस्तर के साथ अटैच कर रही हूँ। तो सारे के सारे भाग इसी तरह से अटैच करने हैं बाजू का, और जो बैक साइड का उसका थोड़ा अटैचिंग अलग है, उसको सीधा रखना है और उल्टा रखना है सॉरी कपड़े को, और फिर सिलाई लेनी है और उनको उल्टे में सिलाई लेनी है और उनमें सीधे में सिलाई लेनी है। तो इस तरह से इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये डोरी है, तो डोरी मैं इस तरह से बना रही हूँ अंदर की साइड फोल्ड कर रही हूँ, फिर हाथों की मदद से इसे गोलाई दूंगी। तो ये डोरियाँ हमारी दोनों की दोनों इसी तरह से बन के रेडी हो जाएगी। तो आप देख सकते हो मैंने डबल फोल्ड करके सारे धागे अंदर दबा दिए, और बीच हाथों की मदद से गोल गोल राउंड करके दोनों हाथों के बीच में घुमा के राउंड कर रही हूँ, और फिर इस तरह से डोरियों को पतली बना रही हूँ। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी, उल्टी सीधी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अभी ये जो मैंने बैक वाला पार्ट बनाया था, तो उसका गला हम कट करके ले लेंगे। तो यहाँ पे फिर कट करने के बाद छोटे छोटे मैंने कट्स लगा दिए और फिर इसको सीधा किया, और यहाँ पे ये गला बन के हमारा रेडी हो चुका है आप देख सकते हो। और यहाँ पे भी मैं इसके ऊपर अस्तर के ऊपर डब सिलाई लगा रही हूँ, और नीचे के साइड भी जो मैंने पट्टी फोल्ड की थी वहाँ पे भी डब सिलाई लगाऊंगी, और जो बाकी का साइड का है वहाँ पे टक्स भर दूंगी। तो यहाँ पे टक्स भी भर के रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे मुझे सिलाई करनी है पहले, तो यहाँ पे मैं सिलाई कर दूंगी और बाकी का बाद में बचा हुआ कपड़ा मैं एक्स्ट्रा निकाल दूंगी बाद में। तो यहाँ पे ये हो चुकी है हमारा, और एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से मैं निकाल रही हूँ। तो एक्स्ट्रा सारों में से इसी तरह से आपको कपड़े को एक्स्ट्रा निकाल देना है। तो सारे भागों में से मैं इसी तरह से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल रही हूँ। तो ये हो चुका है, और बाजू में भी इसे इसी तरह से निकाल रही हूँ। और ये मतलब कपड़ा मैंने जो है पाइपिंग के लिए लिया है, तो मैं इसमें पाइपिंग लगा बाजू, तो बाजू में इस तरह से मैंने डबल फोल्ड कर दिया, और जो मैंने सिलाई ली थी उसे मैंने खोल दिया था, और पाइपिंग का मैं भूल गई थी इसलिए मैंने उसको पट्टी अंदर ही फोल्ड किया था। और यहाँ पे दोनों बाजू में इसी तरह से पाइपिंग डबल फोल्ड करके हमें लगाना है। एक चौथाई जितनी सिलाई लेनी है पाइपिंग के लिए, और फिर आपको अंदर की साइड फोल्ड करके एक चौथाई जितनी सिलाई लेकर पाइपिंग जितनी दिखानी है उतनी को रखनी है। तो यहाँ पे पाइपिंग हो चुकी है दोनों पार्ट्स में, और दो बार मैंने तो यहाँ पे ये पट्टी फोल्ड की हुई है, तो उसके ऊपर मैंने डबल अस्तर को जो पाइपिंग है उसको डबल रखा है लेकिन नीचे की तरफ रखा है। और ये जहाँ पे सिलाई है तो एकदम किनारे पे मैंने सिलाई लगाई है, क्योंकि ये पाइपिंग मुझे एकदम बारीक लेनी है इसलिए। और यहाँ पर दोबारा सिलाई कर रही हूँ, तो ये पाइपिंग देख सकते हो बहुत ही बारीक लग गया। और ये क्रॉस पाइपिंग है जो गला पट्टी के लिए, तो उसके लिए मुझे क्रॉस ही पट्टी लगानी है पाइपिंग। अब सीधा लगाओगे तो अंदर की तरफ अच्छी नहीं लगेगी। और एक साइड से मैं इसको सिलाई करके ले रही हूँ, और फिर इसको भी मैं उल्टा ही रख रही हूँ, जो अस्तर के मतलब अंदर पाइपिंग रख रही हूँ और अस्तर के साइड से सिलाई ले रही हूँ, एकदम किनारे पे बारीक सिलाई ले रही हूँ जिससे मेरी पाइपिंग पतली आए। और यहाँ पे देख सकते हो मुझे पाइपिंग कितनी पतली आ रही है मेरी बहुत ईजीली, और ये राउंड राउंड अच्छे से हो रही है। और ये क्रॉस पट्टी आपको रखनी है, आप सीधी पट्टी करोगे तो पाइपिंग अच्छी नहीं दिखेगी। और यहाँ पे डोरी के लिए मैंने 3.5 का निशान लगा दिया, और दोनों साइड मैं डोरी लगा दूँगी पहले, और फिर यहाँ पे दूसरी सिलाई लूँगी। तो मैंने डोरी के लिए ले दी है और फिर यहाँ पे दूसरी सिलाई ले रही हूँ। तो ये हो चुकी है हमारी पाइपिंग लगकर रेडी। और यहाँ पे मैं डबल फोल्ड करके जो हमारा जो आगे का प्रिंस कट है उसमें मुझे पाइपिंग लगानी है, तो यहाँ पे इस तरह से मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। तो यहाँ पे भी आपको जितनी बारीक चाहिए उसके हिसाब से लगा सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपनी पाइपिंग बहुत ही बारीक लगाई है दोनों साइड,
और सिलाई के अकॉर्डिंग, और फिर यहाँ पे पाइपिंग के बाद इसके ऊपर मैं डब सिलाई कर दूँगी। तो ये दोनों साइड मेरी डब सिलाई हो चुकी है, और ये भी मैंने क्रॉस कटिंग की थी, और दूसरी पट्टी पे भी मैं इसी तरह से पाइपिंग लगा रही हूँ। तो यहाँ पे ये भी हो चुकी है पाइपिंग, और फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके उसको अटैच कर रही हूँ, और जहाँ पे ज़्यादा कपड़ा था उसको मैं वापस दबा रही हूँ, और फिर यहाँ पे भी डब सिलाई लगा रही हूँ। और ये देख सकते हो कितनी पतली पाइपिंग लग के रेडी हो चुकी है हमारी, और यहाँ पे टक्स भर दिए दोनों साइड मुझे पढ़ने थे। तो ये हो चुकी है हमारी पाइपिंग, और ये है काज बटन पट्टी। तो इस तरह से, तो यहाँ पे हमें इसकी काज बटन पट्टी बनानी है, तो इसके लिए मैंने काज बटन पट्टी को पहले फोल्डिंग कर दिया है, अस्तर के साथ कपड़े को अटैच कर दिया है। जो मेरी काज की पट्टी है उसे, हुक वाली पट्टी जो बोलते हैं आई के लिए, तो मैंने यहाँ पे आई कर बनाने के लिए ये कर दिए पट्टी को जॉइंट। और फिर यहाँ पे मैं इस तरह से डबल बार फोल्ड कर रही हूँ, इसे सिंगल ही फोल्ड कर रही हूँ, पहले मैं यहाँ पे जाड़ी हो जाएगी इसलिए पट्टी को। तो यहाँ पे देख सकते हो सिंगल फोल्ड करने के बाद इस तरह से एक चौथाई जितना मैं फोल्ड नहीं कर रही हूँ, सिंगल इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ, एक चौथाई जितनी मैंने स्टिचिंग की है, और फिर इसके अंदर की साइड थोड़ा थोड़ा करके दबा रही हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो दबाने के बाद फिर मैं उसको अंदर की साइड ज़्यादा दबाऊँगी जितनी पाइपिंग रखनी है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे देख सकते हो मुझे पाइपिंग बहुत बारीक रखनी है, तो मैं इस तरह से इसको बाकी का कपड़ा अंदर की साइड दबा के स्टिचिंग कर दूँगी। तो ये पाइपिंग हमारी बन के रेडी हो चुकी है, और सारी के सारी गले में इसी तरह से मुझे पाइपिंग लगानी है, तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। और दूसरी वाली भी पट्टी मुझे इसी तरह से फोल्ड करनी है, उसको पहले मैंने बाहर की साइड सिला फिर अंदर की साइड सिला है। तो ये हो गई हमारी हुक पट्टी, और इसे भी हमें सिंगल पहले सिल देती हूँ, और आप चाहो तो पहले इसको एक साइड से सिलाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक साइड से सिलाई भी कर दी है। तो मैंने दोनों तरफ से आपको पाइपिंग लगाना बता रही हूँ, आप सिलाई करके भी पाइपिंग लगा सकते हो, बिना सिलाई करके भी पाइपिंग लगा सकते हो। तो पहले मैंने एक साइड से लगा दी सिलाई, और यहाँ पे इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड कर दिया कपड़ा, और फिर यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा दिया, और इसे अभी अंदर की साइड दबाना है एक बार में, ये सिलाई हो जाएगी, दोबारा हमारा झंझट नहीं होगा। तो इस तरह से दो बार सिलाई बिना किए हमारी पाइपिंग एकदम बारीक बन के रेडी हो जाएगी। तो दोनों की पाइपिंग एकदम रेडी हो चुकी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो तो एक्स्ट्रा कपड़ा उसे मैं निकाल के बाहर निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारा एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर निकाल दिया, और फिर मैं इसकी पट्टी फोल्ड कर रही हूँ पाइपिंग के साथ। तो यहाँ पे पट्टी भी पाइपिंग लगानी है, तो मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया था कपड़ा नीचे की साइड से, और यहाँ पे एक बार सिलाई कर रही हूँ दोनों साइड में, और फिर इसे पाइपिंग लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको अंदर थोड़ा सा आधा इंच इतना अंदर दबा दिया कपड़े को, और फिर सिलाई कर रही हूँ सीधी। तो इसमें भी इसी तरह से कर रही हूँ, दूसरे वाले में भी, और यहाँ पे जहाँ पे बटन पट्टी लगी हुई है, काज पट्टी लगी हुई है, वहाँ पे मैंने डबल फोल्ड कर दिया, और फिर इसको इस तरह से अंदर दबा के पाइपिंग जितनी बाहर दिखनी है उतनी दिखा रही हूँ, और फिर बाकी की सिलाई कर रही हूँ। तो इसको भी मैं इसी तरह से करूँगी, अंदर की साइड फोल्ड करूँगी, अपने बाइक जितनी मुझे बारीक बाहर रखनी है पट्टी उतनी मैं इसको पाइपिंग को रख रही हूँ, और इजीली सिलाई करते जा रही हूँ। तो यहाँ पे ये पाइपिंग हमारी नीचे की वाली रेडी हो चुकी है दोनों साइड्स के। आप चाहो तो पट्टी भी फोल्ड कर सकते हो, लेकिन पाइपिंग मुझे लगानी थी, तो मैंने यहाँ पे दोनों पट्टियों में पाइपिंग लगा रही हूँ, और यहाँ पे दो बार सिलाई कर रही हूँ, जिससे ये पाइपिंग बहुत ही अच्छे फिनिशिंग आ जाए, और एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे दब जाए। तो यहाँ पर ये पाइपिंग हो चुकी है, और यहाँ पर मैं इसमें आई बना रही हूँ इस तरह से, थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से आया, पहले निशान लगा दिया, और फिर हुक के लिए मैं इस तरह से बनाऊंगी। तो अलग से हमें सुई से हुक बना के हुक आई बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी ये बन चुके हुक के आई सब आप देख सकते हो, और बहुत ही फिनिशिंग अच्छी आई है। और फिर इस तरह से शोल्डर हमें जॉइंट करना है, पहले सीधे में जॉइंट करना है फिर उल्टे में, और ये मैंने कटिंग करते समय बताया था एक चौथाई जितना दोनों शोल्डर से गले की साइड से कटिंग करना है, जिससे गला आपका नीचे ना गिरे। और यहाँ पे इस तरह से वापस से मैंने उल्टा किया कपड़े को, और फिर इसकी सिलाई ले रही हूँ।
तो दोनों साइड इसी तरह से कपड़े में मैं दो बार सिलाई ले रही हूँ। पहले सीधा सिलाई करना है शोल्डर को, फिर उल्टा करके सिलाई लेना है। तो यहाँ पे दोनों बाजू मैंने शोल्डर की सिलाई हो चुकी है, दो बार सिलाई की है शोल्डर में। और अभी हमें बाजू अटैच करनी है, तो बाजू बीचों बीच से मैं पहले नाप के रख देती हूँ और फिर स्टिचिंग करूँगी। जो कटिंग किया हुआ भाग है वो मुझे आगे की साइड रखना है और जो बिना कटिंग किया हुआ भाग है वो मुझे बैक साइड पे रखना है। तो यहाँ पे एक साइड से मेरे बाजू बिछू बिछू ज्वाइंट हो चुकी है और दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से बाजू को अटैच करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हो इसी तरह से अटैच कर रही हूँ। तो ये दोनों बाजू हो चुकी है दोनों साइड से, और एक्स्ट्रा कपड़ा बाजू का निकाल के मैं ले रही हूँ बाहर। और दूसरी वाली बाजू भी आपको इसी तरह से अटैच करनी होती है। और यहाँ पे मैंने इसको पहले नाप लिया है फिटिंग के लिए, तो एक्स्ट्रा है तो वहाँ से मैंने बाजू को अटैच करके थोड़ा बराबर कर दिया। और फिर यहाँ पे इस तरह से फिटिंग के लिए हमें पहले सिलाई करनी है सीधी। तो इसको अटैच करने के लिए ब्लाउज़ को मैंने सीधी सिलाई ली है और फिर उसे उल्टा करके लूँगी। और यहाँ पर मैं पहले दूसरी बाजू अटैच कर दे रही हूँ, तो उससे इस बाजू को भी उसी तरह से मैं अटैच कर रही हूँ बीचों बीच से। और यहाँ पे भी ये भी हो चुकी है बाजू अटैच हमारी। तो यहाँ पे इसकी भी बाजू की अटैचिंग हो चुकी है और अभी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो निकाल के मैं ले लूँगी बाहर दोनों साइड से। और अभी इसकी भी स्टिचिंग कर दूँगी। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा कम पड़ रहा था तो मैं एक्स्ट्रा लेकर वापस उसको भी ठीक कर दिया बाजू में। और फिर मैं यहाँ पे स्टिचिंग कर दूँगी इसकी। पहले सीधी स्टिचिंग करनी है आपको, फिर आपको उल्टा करके फिटिंग के लिए स्टिचिंग करनी होती है। तो पहले सीधे कपड़े में मैं कमर से लगा के बाजू तक इस तरह से स्टिचिंग कर दे रही हूँ और फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल के ले रही हूँ और फिर इसे उल्टा करके भी इसकी स्टिचिंग कर दूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने एकदम आधा इंच जितना स्टिचिंग किया जिससे वो धागे अंदर दब जाएंगे। फिर आपको फिटिंग जितनी लेनी है उसके हिसाब से आप अपनी सिलाई रख सकते हो। और दूसरी वाली को भी इसी तरह से अटैच करना है। तो यहाँ पे दोनों साइड से इसी तरह से मैं अटैच कर रही हूँ और जितनी फिटिंग रखनी है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे ले रही हूँ। तो फिटिंग आपके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, जितनी भी आपको फिटिंग लगती है उसके हिसाब से नाप करके आपको फिटिंग लेनी होती है। तो यहाँ पे मेरे पास इस ब्लाउज़ का फिटिंग का नाप नहीं था, मैं ऐसे फिटिंग ले रही हूँ। जब भी ग्राहक का ब्लाउज़ आएगा तभी मैं उसकी फिटिंग लेके उसको परफेक्ट कर दूँगी, नहीं तो मुझे ये पता है ये 36 इंच का है लेकिन उनका परफेक्ट फिटिंग का नाप नहीं था मेरे पास, तो मैंने इनको ऐसे ब्लाउज़ सिल दिया है और फिटिंग उसकी बाद में करूँगी। और लगभग मेरे हिसाब से ये फिटिंग बराबर होगी। और यहाँ पे ये वाले जो मुझे लटकन बनाने हैं डोरी में, तो मैं इस तरह से ये वाले ले रही हूँ लटकन और यहाँ से इस बार इसको फोल्ड कर रही हूँ। तो दोनों लटकन को एक एक बार फोल्ड करके फिर इस लटकन को लगाऊंगी और इस तरह से डोरी में लटकन को लगाना है। तो दो बार मैंने यहाँ पे सिलाई कर दी है और थोड़ा सा तिरछा लगा था तो मैंने उसको ठीक कर दिया है। और यहाँ पे भी ये भी लटकन हो चुका है और फिर इसे सीधा कर देंगे। तो ये हो गया हमारा बन के लटकन रेडी। और दूसरा वाला भी हमें इस तरह से एक बार मैंने ग्रीन लगा दिया बीच में और एक वापस से पिंक लगा रही हूँ। तो ग्रीन भी मैंने इसी तरह से लगाया, मैंने ग्रीन लगाना नहीं बताया तो पिंक में बता रही हूँ। मैं डबल कपड़ा फोल्ड किया और मैंने फिर इसको लटकन को लगाया और ग्रीन वाले को भी डबल फोल्ड करके फिर ही लगाया। तो यहाँ पे इस तरह से ये लटकन दिखेंगे। तो बन के रेडी हो चुके हमारा ब्लाउज़, आप देख सकते।